हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग टू ऑल। और काफ़ी सोचा कि आज क्या वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब पे, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से मैं डेली वीडियो अपलोड करूं और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो वेट करते हैं कि आज अपलोड हो रहा है क्या। तो कल भी मैं नहीं कर पाया, कल एक्चुअली कुछ टेक्निकल वजूहत थी और कुछ नेटवर्क का इशू था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज भी सोच रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। खैर, दोपहर को फेसबुक पे था मैं और एक बहुत खूबसूरत नज़म, एक खूबसूरत शायरी मेरी आँखों से गुजरी, आँखों के सामने से, और नाम पढ़ा तो मैम आर्यन फरहत की शायरी थी वो। और बेशक वो हमारा एसेट है, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, हमारा असासा है, और मैं हमेशा उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत लिखती हैं वो। और काफ़ी मैंने उनकी शायरी कंपोज़ की है, आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे उनकी काफ़ी लिरिक्स मैंने कंपोज़ की हैं जो आने वाले हैं। आज जो उन्होंने एक नज़म पोस्ट की थी, औरत के हवाले से थी वो, चूँकि कल वुमेन डे है और ऐसे तो कोई तैयारी थी नहीं, कुछ ऐसा था नहीं अपलोड करने के लिए। तो जब मैंने वो शायरी पढ़ी तो चूँकि शायरी थी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी लगी, तो मैंने फौरन मैम को फ़ोन किया और उनसे परमिशन ली उनकी शायरी की तारीफ की, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको कंपोज़ करूँ और अच्छे तरीके से इसको रिकॉर्ड करके हम सामने लेकर आए आपका ये काम। तो नहायत खुश हो गई और उन्होंने बहुत प्यार दिया और मेरी इस फरमाबरदारी को बहुत अप्रिशिएट किया, कदर की। और चूँकि बनता था कि उनसे परमिशन लेके उनकी शायरी कंपोज़ करके उससे सामने लाया जाए, और तो खैर उन्होंने परमिशन दे दी और फिर मैं बैठा कि इसको अच्छे से कंपोज़ करें। मेरा प्लान है कि इसको फीमेल वर्जन हिस्सा करेंगे, किसी फीमेल आर्टिस्ट से इसको रिकॉर्ड करेंगे हम इस ट्रैक को। तो खूबसूरत शायरी थी, बहुत कुछ सोचा कि किस तरह का माहौल बनाया जाए, कैसा इसको इसी कंपोजिशन हो, अरेंजमेंट कैसा। अरेंजमेंट तो खैर अभी शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ हमने इसको कंपोज़ किया है, और आई होप कि मैं आज रात इसका म्यूज़िक अरेंजमेंट शुरू करूँ और कल शायद हम इसका वोकल कर पाएँ। वो जो भी होगा अपडेट मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत अच्छी कंपोजिशन बन गई मेरे हिसाब से, पता नहीं आपको अच्छी लगे नहीं लगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। और शायरी मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने उसको पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं अभी तक देखा, तो मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ कि मैं मिस आयरन फरहत की इस खूबसूरत नज़म को पढ़ सकूं। तो अर्ज़ किया है, दरिया जैसी सूरत हूँ, एक चट्टान सी कुवत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं हिम्मत हूँ, झरनों सी आवाज़ हूँ, मैं गीत भी हूँ और साज भी। मैं अपने घर के आंगन में पर भी मैं, परवाज भी मैं, अपने घर की इज्जत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं हिम्मत हूँ, आधी हूँ ये मान लिया, दिल टूटा तो जान लिया, तुम भी अधूरे हो मुझ बिन, आखिर ये पहचान लिया, आखिर ये पहचान लिया, तुम खाके मैं रंगत हूँ, मैं औरत हूँ, हिम्मत हूँ। बहुत खूबसूरत आगे शेर है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको सबको रिकॉर्ड किया जाए। सॉरी मैम अगर मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ पाया, क्योंकि अब आदत नहीं रही पढ़ने की, तो आई होप मेरा काम पढ़ना नहीं एक्चुअली, तो मैं इसको कंपोज़ कर रहा हूँ और कंपोज़ तो कर दिया इस नज़म को। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक दो लाइन इसकी सुना दूँ। Thank you.
जैसी सूरत हूँ, एक चट्टान सी कुवत हूँ, एक चट्टान सी कुवत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, कुछ इस तरह का कंपोज किया इसको। मंत्रा बहुत खूबसूरत है इसका, तो आई होप कि मैं विद इन 2 या 3 डेज इसको अपलोड कर पाऊँ। बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, आप समझते हैं कि कंपोजिशन, उसके बाद फिर म्यूजिक अरेंजमेंट करना, फिर वोकल्स रिकॉर्ड करना, मास्टर मिक्सिंग एंड देन वीडियो शूट एंड एडिटिंग एंड ऑल द थिंग्स। तो इस सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम टेकिंग होती हैं चीज़ें। तो आई होप, दुआओं में याद रखिएगा कि इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर पाएँ, और मेरा ईमान है कि जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो वुमेन डे के लिए एक बहुत खूबसूरत एक ये काम होगा। और मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन डे टू ऑल। आप सब खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे कमेंट ज़रूर कीजिए। और बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं जिसमें सर्मन्स हैं, व्लॉग्स हैं और टेस्टमनीज हैं और सॉन्ग्स हैं, गीत, जबूर, लाइव वर्शिप है। और आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जिसमें शॉर्ट फिल्म्स मेरा प्लान है करने का, और संडे स्कूल वर्शिप, उसको संडे स्कूल मिनिस्ट्री एक्चुअली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मुझे बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लान था कि ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में एक इसकी प्रॉपर वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज तो बातों में मैंने कह दिया, खैर ये एक अलग वीडियो होगी। और चलें, कुछ प्लान आपको पता चल गया, नाम याद रखिएगा, रॉकी वर्शिप मिनिस्ट्री। और अपनी दुआओं में याद रखें कि बेहतर और लाइक तौर पर इस खिदमत को कर पाएँ। और जो भी वीडियो देखते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप में कुछ भी टैलेंट है जो आप स्क्रीन पे ला सकते हैं या दुनिया तक पहुंचे वो, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है इस पर एक ही नंबर है मेरा, और वो इस पर हमेशा मिल जाएगा आपको, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बाकी हम बात कर सकते हैं। और आपके टैलेंट को मैं पूरी कोशिश करूँगा दुनिया के सामने लाने की। तो चलें, चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस।